सुनो भैया। अरे रे 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 ओले ओले धीरे धीरे भैया। हमारे रे 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 दासी के तो गासी काइयो बात की लागी रे 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 के कई मेलन में भेटाइयो सारी दासे दासी के गासी काइयो बात की देवन ने खनाई। कैसे भैया? सर्वसुती देवन ने खनाई मंत्रा दासी की मत बोराई वाने के कई दई पढ़ाई। कैसे पढ़ाई भैया? या की मैंने कविता कथ नहीं गाई अंत कथा को ध्यान धर सुन जो मरद लोग आई तेरे दासी से तो काशी काइयो बात की लागी रे 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 के कई मेलन में भेटाइयो सारी रात दासी के दासी काइयो बात की लागी रे। सज्जनों, मंत्रा की बुद्धि को सरस्वती ने अजस पिटारी बना दिया। वो प्रसंग से हट करके और इस प्रसंग में ये शंका है कि दासी मंत्रा के ऐसा कौन सा व्यक्तिगत दुख था जो उसने इतनी कोशिश की। सज्जनों, एक बार का प्रसंग है। ये मानस पीयूष में निकलता है कि ये केकई की दासी मंथरा पहले राजा बहलोचन की कन्या थी। जब राजा बहलोचन की आयु देवताओं ने धोखे से दान में मांग ली और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए तो देवताओं के सेनापति ये बहलोचन की कन्या बनके और देवताओं से राक्षसों की सेनापति बनकर देवताओं से युद्ध किया। भगवान विष्णु ने इंद्र के द्वारा इसको मरवा दिया तो इसने सब राक्षसियों ने इसकी हांसी की कि हमने तो मना किया था जब भगवान से देवताओं से बड़े बड़े राक्षस नहीं बचते जिंदे रह पाते तो एक लड़की क्या युद्ध करेगी, लेकिन हमारा कहा नहीं माना। राक्षसी हंसी तब इन्होंने क्रोध करके ये श्राप दिया था कि तुम राक्षसियों को भी मैं विधवा करने में दुख देने में संयोग करूंगी और राम जी के इन भगवान के उत्सव में मैं बाधक बनूंगी। इसलिए सज्जनों, वही बहलोचन की कन्या मंथरा की दासी बनी और राम के राज महोत्सव में आकर वो बाधक बनी। इनका नाम पहले जानवी था। बहुत बढ़िया भैया, सुना दे आगे भैया। अरे बता तेरे ज्ञानी धीरे भैया। अरे बता तेरे ज्ञानी मैंने रामायण से गाई रे 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 बिंदा जालेंदर तू ब्याई कौन की जाई रे बता तेरे ज्ञानी जाने भैया। और बिंदा कालेंदर तू
मारो जैना भगवान विष्णु ने जालंधर को रूप बनायो बिन्दा को पति धर्म घटायो घटायो बाको मैंने सुरदा कथ के गायो रे बता तेरे जानी उसको बता तेरे जानी मैंने रामायण से गाई रे 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 बिंदा जालन कर के जाई कौन सी जाई बिंदा पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी और कहते हैं कि ये तुलसी जो भगवान की शालिग्राम की तुलसी के साथ पूजा होती है ये तुलसी बिंदा का ही स्वरूप है। बिंदा इतनी बड़ी पतिव्रता थी जिसको सब लोग जानते हैं, भगवान ने उसको छला लेकिन ये नहीं जानते ये किनकी बेटी है। सज्जनों जो कालनेम राक्षस था जिसने हनुमान जी का रास्ता रोका था, जब हनुमान जी मृत संजीवनी बूटी को गए तब काल ने एक संत बन के हनुमान जी को रास्ते में मिले, हनुमान जी ने उनका वध किया। ये बिंदा उन्हीं काल ने राक्षस की पुत्री थी। जय हो भैया तेरी। और सज्जनों आगे सुनिए। सुना भैया। अरे रे 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 ते दई दस कंदर ने लातल चढ़ो घर से रे 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 दे दई दस कंदर ने लातल चढ़ो घर से रे लंका को भेजी रामा तल में आको रे 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 दे दई दस कंदर ने लातल चढ़ो घर से रे लंका को भेजी रामा तल में ध्यान से सुन जो मरद लोगाई रे लंका को भेजियो रामा दल में जायो रामा दल में शरण राम की आयो हमरे। अरे विभीषण को ज्ञान मत कर जो अंत बात को ध्यान तम धर जो रे लंका को तो भेजी ले रे लंका को तो भेजी ले रे रामा दल में प्रिय श्रोतागणों। हाँ भैया सुना। प्रसंग ऐसा लगता है मानो जैसे विभीषण को भजाया, लेकिन विभीषण भजाया उससे पीछे एक राक्षस को रावण ने और भजाया था। कौन भैया? आपने रामचरित मानस के लंका कांड में देखा होगा, जब विभीषण शरण में आया था तो रावण ने विभीषण के पीछे दो दूतों को भेजा था जिनके नाम थे सुख और सारण। उन्होंने जाकर रामादल में देखा भगवान विभीषण के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। वो बंदर का भेष बनाकर रामादल में चुपके से बैठ गई। विभीषण को शरण में लिया राम ने, उनसे मित्रता बनाई, उनको लंका का राज्य दिया, राज तिलक कर दिया,
जब बंदर शरणागत की रक्षा करते हुए देखकर सभी भगवान की जय जयकार करने लगे, वे दूत भी बंदर के भेष में भगवान की जयकारा बोलने लग गए। उधर बंदरों की भाषा में उन राक्षसों की भाषा में फर्क देखकर सब ने उनको पकड़ लिया। पकड़ के जब उनको मारन लागे, उन्होंने राम की सौगंध दिलाई। ये मानस में ये प्रसंग आता है, जो हमार हर नासा काना ते कौशलाधीश की आना। उनको छोड़ दिया, रावण से जाकर उन्होंने राम की प्रशंसा की, तो रावण ने उस सुखनाम के दूत के फिर लात मारी और उसको लंका से निकाल दिया। क्योंकि राम की प्रशंसा करता है तू, इसलिए मेरे से सुनी नहीं जाती, तू भी विभीषण के साथ राम में मिल जा। सज्जनों, वो सुखनाम का दूत विभीषण से बाद में आया और राम में ही राम की शरण में आकर रामादल में मिल गया, उसने अपनी शुभ गति प्राप्त करी। अब देखिए विभीषण का प्रसंग तो ये है, आगे और सुना भैया। अरे रे समदर कूद विभीषण, हमारे रे समदर कूद विभीषण, रामा दल में आयो रे लंका से तो लारे उतो, लंका से लारे उतो चार पे रानी लायो रे 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 समदर कूद विभीषण, रामा दल में आयो रे लंका से लारे चार पे रानी लायो रे समदर कूद विभीषण, रामा दल में आयो रे लंका से चार पे रानी लायो रे। सरोता मेरे भाई भीषण, राम की शरण में आयो, लंका में से चार आदमी संग में लायो। हीरे भैया, ओ बे चार आदमी की बात में पूछू बिन को नाम बता दे, कौन है भैया बे कौन कौन थे भाई, कथा मैंने रामायण से गाई से तो लारे चार पे रानी लायो रे रे समदर कूद विभीषण, रामा दल में आयो रे लंका से लारे चार पे रानी लायो रे। सज्जनों, रामचरितमानस में ये प्रसंग निकलता है कि सचिव संग ले नब पथ गये। विभीषण अपने सचिव निजी मंत्रियों को साथ में लेकर राम की शरण में आया था। अरे अरे। उन चारों के मानस पीयूष में ये नाव बतलाए हैं। सुना भैया, वो विभीषण के मंत्री थे अनल पनस प्रमति और संपाति। आगे का सुड्डा देखिए, कौन सा सुना भैया। जब रावण ने सीता को अशोक बैठका में धमकाया और सीता ने रावण का कहना नहीं माना, तो रावण तो घर को चला गया और वहां कुछ राक्षसियां अनन्य प्रकार के डरावने रूप दिखाकर सीता को भय दिखा रही। कैसे दिखा रहे भैया? देखिए, अरे रे 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 लंका से तो तेरिया बोले, रे 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 लंका से तो तेरिया कौन कौन सियाई, रे 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 सीता बागन में डर पाई ओ सारी से लंका से तेरिया कौन Bye.
कथा मैंने रामायण से गाई, ए या को दीजो भेद बताई, बेतरिया कौन कौन सी आई, जिनने सीता दी डर पाई। कैसे कैसे ओ बिन को दीजो दीजो नाम बताई, रे 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 हमें भी रे ले रे ले रे बोलो भाई। सज्जनों, जब सीता को भय दिखाया तो त्रिजटा ने उनसे कहा था, तुम सीता को डर मत दिखाओ, सीता को धमकाओ मत, ये सीता साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने कहा तुम सीता की सेवा करके और खुद के प्राणों की रक्षा करके कृतार्थ हो जाओ, मुझे ऐसा सपना आया है। तब वो राक्षसी त्रिजटा के कहने से सीता को भय दिखाने से रुक गई। कौन कौन सी भैया? सज्जनों, उन राक्षसियों के नाव मानस पीयूष के अंदर निकले हैं, विकटा, बिनता, प्रगसा, चंडोदरी, अजयमुखी, सुपलखा और त्रिजटा। ये 6-7 राक्षसियां सीता के साथ में सीता के पास रहने, सीता को समझाने के लिए रावण ने नियुक्त की थी। अब आगे देखिए और दूसरा सुद्धा बोल भैया, अगला क्या है सुना भैया। अरे रे रे रावण से तो पहले कैसे हम रे 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 रावण से तो पहले ले रे हरण कौन ने कियो, रे 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 वन में ये रे लक्ष्मण राम सीता नहीं पाई, रे रावण से पहले हरण कौन ने कियो, रे 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 वन में ये रे लक्ष्मण राम सीता नहीं पाई, रे रावण से दंडक वन में पहुंचे जब रघुराई। कैसे भैया? अरे बिन की हर लई सीता प्यारी, अरे वो कौन राक्षस ने हरी जे को दीजो नाम बताई, रे रावण से तो पहले पढ़े हम ले रे भैया, रावण से तो पहले ले रे हरण कौन ने की, श्रोतागणों ये प्रसंग वाल्मीकि रामायण में बड़े विस्तार से है, तुलसीकृत रामायण में तो थोड़ा संकेत वाचक दिया है। बद विराद शबरी गत दीनी, पंचवटी से पहले दंडक वन में विराद राक्षस ने राम से सीता जी का हरण किया था, उसकी एक एक योजन लंबी भुजा थी, उन्होंने राम को पकड़ के एक योजन इधर बैठा दिया, दूसरी भुजा से लक्ष्मण को पकड़ के 4 कोस दूर इधर बैठा दिया और सीता जी को अपने पास रख लिया। विराद राक्षस ने रावण से पहले सीता का हरण किया था, वो एक ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। सज्जनों, भगवान राम ने उनकी गति की, उनको मार के और उनको पृथ्वी में दबाया। उन्होंने अपनी मृत्यु भी बताई थी कि मैं किसी हथियार से मारने से नहीं मरूंगा,
तो वो मिट्टी में दबा कर मारा, उनको ऐसा ही श्राप था। अच्छा भैया, देखिए सज्जनों अगला सुद्धा सुना भैया। अरे बता दे रे ज्ञानी, ये भी है कैसे भैया? ओ बता दे रे ज्ञानी, वेद कहाँ से आयो? रे 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 लगी गयो लक्ष्मण के लंका में, सकतियो बाना बता दे। अरे श्रोतागण मेरे भाई, राम रावण के लंका में हुई है लड़ाई, मेघनाथ ने शक्ति चलाई। होले होले, और शक्ति से लक्ष्मण गिर गए धर्म में, राम के छोटे भाई पिनकू वह बैद ने बूटी मंगाई। उ बैद कहाँ से आयो, या को दी जो भेद बताई। रे सता तेरे ज्ञानी तू तो, लाई लायो बाकी मैंने कथा न गाई। धीरे धीरे भैया, और वेद कहाँ से आयो, या को दी जो भेद बताई। रे बता दे ओ ज्ञानी को बोले, बता दे रे भैया को तू, धीरे धीरे बोलो भैया मेरे पे। सज्जनों, हाँ भैया सुना। ये प्रसंग लक्ष्मण शक्ति का है। ठीक है भैया, इसमें कहते हैं कि हनुमान जी सुखेन वेद को लाया। अच्छा भैया, वेद तो सुखेन ही लाए आए थे, लेकिन मानस पीयूष में सुखेन वेद को लंका से लाना नहीं दिखाया। मानस पीयूष में सुखेन वेद को रामा दल का ही एक वेद माना गया है, और ये जाति के बांदर थे। इनका सही प्रमाण भी मिलता है कि सुग्रीव ने जब तीन दिशाओं को जो बंदरों की टोलियां भेजी थी, उनमें पूरब दिशा की तरफ ये सुखेन वैद्य ही उस टोली का मालिक बन के गया था सीता की खोज करने के लिए। वैसे ये सुखेन सुग्रीव का ससुर और तारा का बाली का ससुर और तारा का पिता लगता है। तारा बाली की स्त्री अंगद की जो माँ थी, ये सुखेन बांदर की कन्या थी। सुखेन बांदर वेद विद्या में दक्ष था, और राम जी ने अपने दल में ही इनसे मशवरा लिया। ये मानस पीयूष का प्रसंग है। और सुना भैया आगे। अरे पढ़े सिरे पापी, बोलो बोलो भैया। ओ पढ़े से पापी, भवसागर से तेरी गे, रे 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 तेरी ओ जे हो तुलसी दास लिखी रामायण रे पढ़े।
मेरे भैया। हाँ सरोता मेरे भाई, वेद मत सोत 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 के पुराण सब संत और असंतन को भेद को बताव तो। कैसे भैया? कपटी पुराही पूर कली के कुचाली जीव कौन, राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तो। बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत, यह पाहने ही में कौन प्रेम उपजाव तो। और या भारी भव सागर से उतार तो कौन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। रे पाड़े से तो ले रे पीरे हमरे रे बोलो, पाड़े से तो पापियो भव सागर से ले कौन पूरे सने जोड़ो। कैसे जोड़े भैया? जोड़ो रे 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 सारियो नगरी में ओ जाड़ो। रावण ने आग लगाई, वाकी कविता कथ नहीं गाई। ओ करण को दाग हतरे टीपे लगायो, वाको ज्ञान मत कर जो अंत कथा को ध्यान तुम धर जो। रे हतरे टीपे दियो हम लेरे लेरे हतरे टीपे दियो कण कौन पोरत ने संग है। राजा जनक के पास गुरु दीक्षा लेने गए थे सुखदेव जी। सुखदेव जी महाराज के गुरु जनक वैदेही थे। जनक ने गुरु सुखदेव जी को दीक्षा देने से पहले उनकी परीक्षा ली। उनके हाथ में एक दीपक रख दिया और वो दीपक तेल से भर दिया और दीपक को जला दिया और रात्रि के समय में उनको जनकपुरी में भेज दिया और उनको ये आदेश दिया कि दीपक में से एक बूंद भी नीचे ना गिरना पाए और संपूर्ण जनकपुरी की शोभा को देखकर मेरे सामने वर्णन करना। तो देखिए सुना भैया, उन्होंने जोड़ा। अब आगे भैया, अरे भाए लीरे तो कूले भैया, भाए लीरे तो कूले तन शरम नैया का।
दुर्वासा ऋषि उनके घर पहुंच गई। दुर्वासा ऋषि सो रहे थे और केकई ने लड़कपन में जब ये छोटी थी तो ऋषि दुर्वासा के मुंह को काला कर दिया। दुर्वासा जागे, मुंह पे हाथ फेरकर श्री राम का उच्चारण किया और हाथ देखा तो काला हो गया। उधर केकई दूर से हंस रही थी। दुर्वासा ऋषि ने को मालूम हो गया कि केकई ने मेरा मुंह काला किया है। सज्जनों, क्रोध करके दुर्वासा ऋषि ने केकई को श्राप दिया था, केकई एक बार तुझे भी कलंक लगेगा। इसलिए सज्जनों, ये दुर्वासा का श्राप था कि केकई को कलंकित तो होना पड़ा। अब आप अगला प्रसंग सुनिए। सुनो भैया। अरे रे 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 ओले ओले धीरे भैया। हम रे 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 दासी के तो गासी काइयो बात की लागी। रे 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 के कई मेलन में भेटाइयो सारी दासे दासी के दासी काइयो बात की देवन ने खनाई। कैसे भैया? सर्वसुती देवन ने खनाई मंत्रा दासी की मत बोराई वाने के कई दई पढ़ाई। कैसे पढ़ाई भैया? या की मैंने कविता कथ नहीं गाई अंत कथा को ध्यान धर सुन जो मरद लोगाई। रे दासी से तो काशी काई